हेलो गाइस, ठीक है। तो आज के दिन जो है हम पॉलीनोमियल का रिवीजन करने के लिए बने, ठीक है। पॉलीनोमियल चैप्टर जो हमने 10th क्लास CBSE में चैप्टर नंबर 2 है, तो उस चैप्टर का जो है हम रिवीजन करने वाले। रिवीजन मतलब समझिए कि लास्ट मिनट रिवीजन टाइप है, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन से जैसे आपका कोई एग्जाम है, टेस्ट है ना, तो आप उस एग्जाम या टेस्ट से पहले आपके लिए वीडियो जो बहुत चमनप्रास की तरह फायदा करेगा आपको, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ना, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना अपने। तो ये ग्राफ जैसा आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ऑलरेडी इसलिए बना रखा था ताकि मतलब ज्यादा समय बर्बाद ना वीडियो में। तो 9th की कुछ चीजें हैं आप लोगों को ऑलमोस्ट आनी चाहिए, एक बार इसको रिकॉल करवा भी दूंगा, ठीक है। तो 9th में आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा, जो पॉलीनोमियल पढ़ा था ना, उसके बाद आपने टाइप ऑफ पॉलीनोमियल पढ़ा होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्लियर। अच्छा, कोफिशिएंट पढ़ा होगा ना, वेरिएबल के आगे नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल भी पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड का, ये सारी चीजें आप 9th में देख के आओगे। एक डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल आपने पढ़ा होगा कि जो गिवन एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर है उस चीज को हम क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो उतनी चीजें तो अपन 9वीं में सीख चुके हैं, तो 10वीं में क्या सीखना है, 10वीं में बहुत कुछ नया सीखना है, तो उसी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, तो 10th में नया सीखने के लिए हमारे पास ये है कि हमारा पहला टॉपिक इसमें रहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। तो इसी से शुरुआत करते हैं, हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। इसकी तो हेडिंग ही एक लाइन में है, समझो पूरा यही भर जाता है हेडिंग से, बट एक्चुअल में होता कुछ होता नहीं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, मैं सर भाषा में बोलूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब ये कि हम ग्राफ के ऊपर देखेंगे कि एक पॉलीनोमियल का बिहेवियर, जब हम ग्राफ का प्लॉट करेंगे तो पॉलीनोमियल जो है किस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, और बहुत जरूरी है समझ लेने में, स्कूल की तरह अपन नहीं कर सकते, एक पॉइंट पे टच करेंगे उसके एक जीरो आ जाएगा उसके, ठीक है। तो देखते हैं, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलीनोमियल होता है, हमें ये कि f(x) पॉलीनोमियल गिवन है कि 2x - 3, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल है। तो इसके जीरो फाइंड आउट करने के अभी तक हमारे पास एक तरीका ये था कि हम अल्जेब्रिकली इस चीज को सॉल्व करें, यानी इस चीज को इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा कि 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू वैल्यू मिली 3/2, ये हमें वैल्यू मिली थी अल्जेब्रिकली। तो ग्राफिकली इसे प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें वहां पे एक बॉक्स बना लेनी है, ठीक है, और उस बॉक्स के ऊपर जो है हम इस प्रकार से वैल्यूज रखने वाले हैं कि x की किस किस वैल्यू पे f of x की क्या वैल्यू आ रही है। ये x है और ये अपना f of x है, ये हमने f of x है, ये आप y समझ सकते हैं ना, आप y कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमने चार डबल ला, चार डबल हम फिल करने हैं, तो लेट्स से, ठीक है, गिर गया मार कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता कि लेक्चर पूरा हो जाए और मार करना चाहिए। देखो, तो x की वैल्यू जब रखने जा रहा था, अपने मन से रैंडम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं x के लिए शुरुआत करता हूँ, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं जीरो से, तो अपने एक्स वैल्यू जीरो रखा, भाई जीरो इंटू टू कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो माइनस थ्री कितना आ जाएगा, माइनस थ्री। तो जीरो रखने पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू केवल माइनस थ्री मिला आपने, है ना। अपन वन रख के देखेंगे, यहाँ पर वन रखा, टू वन जा टू, और दो में से तीन घटा हुआ तो कितना आएगा, माइनस वन आएगा। यहाँ पे आप दो रख के देखो, टू टू जा फोर, फोर माइनस थ्री कितना आएगा, प्लस का वन आएगा। थ्री रख के देखें तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस थ्री कितना आता, सिक्स माइनस थ्री जब आप करेंगे, सिक्स माइनस थ्री की वैल्यू आपको मिल जाएगी थ्री। बहुत ही बढ़िया सवाल था, सिक्स माइनस थ्री से करेंगे। अच्छा, यहाँ तक हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है सर। आगे क्या करना है, अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करके देखना है। जैसे कि जीरो पे माइनस थ्री है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी ये पॉइंट, और उसमें एफ ऑफ एक्स यानी वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी अच्छी, माइनस थ्री। इस पॉइंट में मुझे वाई में माइनस थ्री यानी यहां से गुजरना है, तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट, ऐसे हमें मार्क करना है। नेक्स्ट वन इज की वन पे वैल्यू माइनस वन आ रही है, तो एक्स इज इक्वल टू वन, और इस पर मुझे वाई में कहां जाना है, माइनस वन, तो वाई माइनस वन नीचे, तो ये पॉइंट कुछ यहां पे लाई करेगा, है ना। इस चीज को अपन ऐसे डॉट डिनोट करते हैं, तो ये पॉइंट हो गया, इसे मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इस टू रखने का वन मिलेगा, यानी एक्स इक्वल टू पे इसकी वैल्यू जो है कुछ ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस चीज को भी हमने ऐसे मार्क कर लिया, ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट हमें देखना है तो थ्री पे उसकी वैल्यू थ्री आ रही है, तो यानी ये चीज जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाएगी, ये सीधी लाइन है ना, एग्जैक्ट सीधी। तो ये हमने इस प्रकार अगर जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक चीज मिल रहा है कि हमने इन्हें प्लॉट कर दिया है ना, ग्राफ कर सकते हैं सभी पॉइंट्स को।
जब आप इन सभी को जब आप जोड़ेंगे ऐड करेंगे ना, तो इन सभी को ऐड करने पर ये चीज जो है स्केल जब आप करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से पास आउट होगी सभी के। तो आप मेन चीज जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, ठीक है, हालांकि लाइन इतनी सीधी नहीं कि मैं स्केल यूज ही कर रहा, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आप देख पाएंगे कि ये वन और टू के एग्जैक्ट सेंटर में कट कर रहा है, वन और टू का एग्जैक्ट सेंटर दैट इज 1.5, नियर अबाउट ये 1.5 है, ठीक है। अब ये 1.5 का क्या रिलेशन है ना, हम इसका मीनिंग देखते हैं। जब हम 3/2 को सॉल्व करें तो क्या किया हमें 1.5 नजर आ रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो जीरोस और पॉलीनोमियल हमें यहां से मिला, अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ग्राफ की जो लाइन है वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे कट कर रही है जहां पे उसके जीरोस हैं। ये वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस समझ लीजिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, ठीक है, तो वाई एक्सिस को आपको नेगलेक्ट करना है। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है 1.5 पे, और वही आपका आंसर है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस पॉलीनोमियल में हुआ, क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, आपको मेरे पे यकीन करके चलना होगा ना। तो आप इसकी जगह कोई दूसरा पॉलीनोमियल भी अगर आप लेते हैं, ठीक है, उसे भी अगर आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो वो भी उसी पॉइंट पे कट करेगा जिस पॉइंट पे उसके जीरोस हो, क्या बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने लीनियर के लिए देखा, सिमिलरली क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का भी देखो हमारे पास इतना है ना, क्वाड्रेटिक का अगर हम ग्राफ यहाँ पर स्केच नहीं कर लूंगा मैं आपको इन जनरल जैसी चीजें मैंने एक स्केच करके बता दी, ये भी मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप बता सको ना, आप सीख सको कि ग्राफ प्लॉट कैसे करें। जब आप क्वाड्रेटिक के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वो भी टोटल जो है कुछ पैराबोला शेप होता है, क्वाड्रेटिक ग्राफ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप में होता है, हम इससे कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है और इस शेप को जो है हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। अच्छा, लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा, तो इसमें भी हाँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है। तो अब इन चीजों से जो हमने कॉन्क्लूजन, जो हमने फटाफट से कंप्लीट किया उसके कॉन्क्लूजन हम लिख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। तो हमें ये चीज समझ में आई कि लीनियर का जो ग्राफ होता है लीनियर पॉलीनोमियल के लिए, तो लीनियर का ग्राफ होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। अच्छा, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो चीज कैसा होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है पैराबोला। पैराबोला जो है दो टाइप के होते हैं, वैसे तो बहुत से टाइप होते हैं, हमें टेंथ में दो टाइप बताए गए हैं, एक ये दिख रहा ऊपर की तरफ खुला हुआ, तो वैसे ही अगर मैं इसे ऐसे लाऊं तो ये नीचे की तरफ खुला हुआ होगा, तो एक को हम ओपन अपवर्ड कहते हैं और जो अगर इसका अपोजिट रिलेशन क्या कहते हैं, ओपन डाउनवर्ड, ये देखते हैं ये ओपन अपवर्ड हो गया, और अगर यही ऐसा होने का हो जाएगा ओपन डाउनवर्ड। तो ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड दो टाइप के पैराबोला होते हैं, इनको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पैराबोला में दो कंडीशन आती है, ठीक है, एक ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, ठीक है, ये पहला, और दूसरा अपन यहां लिख लेते हैं ओपन डाउनवर्ड, क्लियर। तो ये दो पैराबोला। अच्छा, ये ओपन अपवर्ड होना ओपन डाउन होना क्या अपनी मर्जी से हो जाएगा क्या, नहीं, ये अपने मर्जी से बिल्कुल नहीं होगा, ये चीजें डिपेंड करेंगी, किस पे डिपेंड करेंगी, ये डिपेंड करती है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर के आगे, जो x स्क्वायर होगा क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है x स्क्वायर होगा उसमें, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेट्स से कि अगर यहां पर अगर ये 2x² - 3x + 5 दिया है तो इसका जो ग्राफ आप बनाओगे वो ओपन अपवर्ड बनेगा ऊपर की तरफ, लेकिन वही अगर -2x² होता तो उसका ग्राफ नेगेटिव बनता है, यानी ओपन डाउनवर्ड बनता, तो ऐसे डिपेंड करता है, इस चीज को हम ए कहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा ए पे, तो ओपन अपवर्ड कब होगा जब ए जो है 0 से बड़ा हो, और ओपन डाउनवर्ड कब होगा जब ए जो है लेस देन 0, 0 से नेगेटिव हो, इन शॉर्ट लेस देन 0, क्लियर है ये पार्ट। बस इतनी सी बात है, नहीं इतनी सी बात नहीं थी, इसको और भी चीजें हैं कंक्लूजन पे, ठीक है, उन चीजों को हमें देखना है और क्या क्या बातें हैं। तो और बातों में ये आएगी, जैसे आप देख सकते हो कि लीनियर का ग्राफ इसे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो इसे दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ इसे तीन पॉइंट पे कट करे, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप कैसे देखिए कि ये चीज ऊपर जाती जाएगी, कभी नीचे नहीं आ रही है चीज, आप वैल्यू ये चीज हमेशा ऊपर जाएगी और ये चीज भी ऊपर जाएगी, कभी जब ये नीचे नहीं आएंगे तो ये कैसे कट करेंगे अच्छे से, ठीक है, ये एक बात आप समझ सकते हो ना। अच्छा, लीनियर का जो ग्राफ है इसमें अगर देखो तो ये पार्ट हमेशा ऊपर जाएगा और ये पार्ट हमेशा नीचे जाएगा, तो कोई चांस नहीं कि वो दो पॉइंट पे कट करे। हालांकि ये तो एक रफ आइडिया, ठीक है, रफ आइडिया, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, अजम्पशन, ठीक है,
बट ये चीज जो है अजम्पशन है समझने के, बाकी जो मैंने बताया एकदम सही बताया, जो मैंने बताई है वो चीज अज्यूम नहीं है, वो एकदम फैक्ट, उस चीज को याद करने के लिए समझने के लिए आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो। बाकी ध्यान रहे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की 2 डिग्री होती है, डिग्री होती है 2, तो अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके जीरोस कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर क्यूबिक है, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, तो क्यूबिक के जीरोस कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। लीनियर, लीनियर की डिग्री 1 है तो उसके जीरोस 1 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। तो जितनी डिग्री होती है उससे ज्यादा जीरोस कभी नहीं हो सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उससे कम हो सकती है क्या सर? हाँ, उससे कम हो सकती है, मतलब अगर ये लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है, तो 1 से ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 1 से कम हो सकता है। 1 से कम क्या होता है? 0। तो ये पॉसिबल है कि इसके जीरोस ना है, लीनियर है ना। जैसे अब ये चीज दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, मतलब इसके 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। 2 से कम 1 हो सकता है, हो सकता है क्वाड्रेटिक के एक ही जीरोस है। ये भी हो सकता है कि उसके जीरोस ना है, क्वाड्रेटिक ना 0। तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कुछ भी हो, अगर n उसकी डिग्री है, तो n से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। 5 डिग्री का पॉलीनोमियल है, 5 डिग्री, तो 5 से ज्यादा जीरोस नहीं होंगे। 5 से कम हो सकते हैं, 5 जीरो से कम 4 हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं, 2 जीरो होंगे, 1 जीरो होंगे, ये भी पॉसिबल है जीरो ना हो। तो ये उन सब चीजों की बात है, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, इन चीजों में ना एक वर्ड यूज किया जाता है, एट लीस्ट, जैसे मैं क्वाड्रेटिक के लिए स्टेटमेंट लिख के देता हूं आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए आप कह सकते हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलीनोमियल पढ़ रहे ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैज एटमोस्ट 2 जीरोस। अब ये एटमोस्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसा लीनियर में भी अ लीनियर पॉलीनोमियल हैव एटमोस्ट 1 जीरोस, ये कर सकते हैं। क्यूबिक में अ क्यूबिक पॉलीनोमियल हैव एटमोस्ट 3, क्योंकि क्यूबिक डिग्री 3 होती है, 3 जीरोस। तो इस तरीके से आप जो है इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी 2.1 की एक्सरसाइज, इसके अंदर आपको बताया गया कि ग्राफ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, कितने जीरोस होंगे, ये बात आपको बतानी है, तो आप बहुत इजीली बता पाएंगे, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें हो जाता है रिलेशनशिप, आ जाता है ना रिश्ते नाते। तो हम ये समझते हैं क्या रिश्ते नाते रहते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप हमें देखना है, वैसे हम बहुत एक्सपर्ट हो गए रिलेशनशिप के मामले में, तो ये तो बहुत जल्दी समझ आएगा ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल। इसकी हेडिंग तो उससे भी बड़ी है लास्ट टाइम से ना, बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग हो जाती है। मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूँ, रिलेशनशिप बात ये कि सर रिलेशनशिप में आप खुद इतने आगे होंगे कि आप मुझे बता देंगे। चलिए रिलेशनशिप हम स्टार्ट करते हैं ना, रिलेशनशिप समझते हैं। और रिलेशनशिप ये हमारा वाला नहीं, ये किसका है? जीरोस और कोफिशिएंट्स का ना, तो उनमें क्या रिलेशनशिप होता समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं, लीनियर में तो हर वैसे कुछ खास होता नहीं, आप क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं, तो रिविजन का टाइम चल रहा है, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में a कभी भी 0 नहीं हो सकता, और a b c जो है ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए, ये क्वाड्रेटिक। तो इसके दो रूट्स आएंगे, मान लिया कि एक रूट इसका जो है अल्फा है, और इसका दूसरा रूट कितना है? बीटा है, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। दो रूट आएंगे अल्फा बीटा, मान लिया आप अल्फा क्वेश्चन लेके तो ये x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ बीटा बदल गया क्या आ जाएगा? एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, भाई 0 इंटू 0 कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स अब इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स कितना आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर। एक्स इंटू बीटा कितना आ जाएगा? बीटा एक्स। अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमने इतना, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद लाइक कर देते हैं, इन दोनों में x x है, x कॉमन ले लीजिए, तो x पर अपनी जगह पे माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो बच गया बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ आ गया x, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल से, तो वहां पे आपको ये चीजें रियलाइज होगी कि जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल था, ठीक है, उसके अंदर जो है
एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है और यहां पे एच का कोफिशियंट कितना है 1, यहां पे कोफिशियंट कितना है ए, यहां पे कितना 1, सेम है क्या? नहीं है। तो पहले हमें कोफिशियंट सेम करना होगा, तब जाके हम कंपेयर कर पाएंगे इन दोनों को, क्योंकि एक इसी पॉलीनोमियल के रूट से है और इसी रूट से मैंने दोबारा पॉलीनोमियल बनाया। तो भाई जब एक ही पॉलीनोमियल के पहले रूट्स निकाले, फिर उस रूट से मैंने दोबारा पॉलीनोमियल बनाया, तो वापस वही पॉलीनोमियल बनेगा ना जिसके रूट्स निकाले मैंने, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो कंपेयर करेंगे हम दोनों को सेम करने के लिए। अब दोनों को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके, या तो इसमें ए से मल्टीप्लाई करो या तो इसमें ए से डिवाइड करो, ताकि यहाँ में ए हट जाए। तो हम क्या करते हैं, हम ए से डिवाइड कर दे दोनों से, तो ए से डिवाइड कर दिया हमने, ए से डिवाइड करने पे ए से कट जाएगा, क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा बी बाई ए एक्स, और ये कितना हो जाएगा सी बाई ए, और ये तो जीरो जीरो रहेगा। अब जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी कितना आ गया 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है माइनस बीटा प्लस 1 और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है b बाई, तो इसका लिख लेते हैं माइनस बीटा प्लस अल्फा और ये इसके इक्वल आ रहा है b बाई a के। अब यहाँ से आप माइनस वाले साइन को आप उस साइड से कवर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से मिलेगा बीटा प्लस अल्फा, इस चीज को हम थोड़ा रीअरेंज करें, इसको अल्फा प्लस बीटा कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस बी ओवर ए, तो ये आपको मिला पहला रिलेशन। अच्छा, लास्टली जब हमें ये कंपेयर करने की चीज है वो ये है एब्सोल्यूट टर्म, तो इसका एब्सोल्यूट टर्म कितना है कांस्टेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म कांस्टेंट टर्म सेम होता है, तो इसका कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c है ना अल्फा इंटू बीटा, और इसका कांस्टेंट टर्म क्या है c बाई a, a से डिवाइड है ना हमने, तो यहाँ से जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि अल्फा इंटू बीटा जो है ये आइटम c बाई a के इक्वल आ रहा है। तो ये दो रिलेशनशिप हमें समझ है। अच्छा, इस अल्फा प्लस बीटा को हम जो है सम ऑफ रूट्स कहते हैं, या फिर प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स कह सकते हो, या सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं, तो सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप कह सकते हैं। तो ये दो रिलेशनशिप होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज के अंदर भी, एग्जाम्स के अंदर भी आपसे देखने मिलेगा। 10th स्टैंडर्ड में जिन लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स दे रखा है उन लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डैश, तो आपको माइनस बी बाई ये केवल टिक करके आना है, लिख देना है, तो ये याद रखें, बेसिक वालों को ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अच्छा, तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसके अंदर और क्या काम की चीज है सर, इसके अंदर काम की चीज ये है कि जैसे आपने इन चीजों का, ठीक है, तो वैसे ये जो है ना यहाँ पे एक्सपोज में रिजल्ट मिल रहा है, ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इस चीज को मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे क्या हेल्प मिलेगी मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ लिखा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हमने माइनस को माइनस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो से, इसे आप कैपिटल एस से जोड़ करें और यहाँ पे एक्स लगा दें, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को आप कैपिटल पी से जोड़ करें, तो आपको ये चीज याद रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये जो है फॉर्मूला होता है where s represents sum of zeros and p represents product of zeros, ठीक है। तो इनको हम कैसे इस पे क्वेश्चन करेंगे हम एक बार देखते हैं। इस पे क्वेश्चन जैसे मान लो आपको आ जाते हैं, हमको किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3 दे रखा है ना, मान लो माइनस 3 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा आपको जो है 2 दे रखा है, तो आपको बोलेंगे कि आप पॉलीनोमियल फॉर्म करके दिखाओ, आप पॉलीनोमियल बताओ जिसमें सम ऑफ जीरोस माइनस 3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है, तो वो जीरोस क्या होंगे, वो पॉलीनोमियल क्या होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये फॉर्मूला लेना है, इस फॉर्मूले को वैल्यू रख दो माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है माइनस 3 लगा दो, माइनस 3 उसके बाद क्या है एक्स, एक्स लगा दो, फिर क्या है प्लस, प्लस लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 2, तो यहां पे 2 लगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बाई माइनस एक्स, कितना हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 2, तो ये वो पॉलीनोमियल हो जाएगा जिसका सम ऑफ रूट्स माइनस 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 आ जाएगा। तो ये इतना काम की चीज है ना, इतना मतलब इतनी काम की चीज है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला यहां काम आएगा। अच्छा, इस पे कैसे सवाल आते हैं, इसके अंदर आपको वेरिफिकेशन के सवाल आता है, वेरिफिकेशन जैसे मैं बता दूं, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, जिससे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है, ये वेरीफाई करने के लिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और यहां पे आपको अगर ये चीज बोला जाए कि क्वेश्चन क्या दिया जाता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको जीरोस फाइंड आउट करना है, जिसको फैक्टराइज करने के लिए आपको बता रखा है मैंने कैसे करना है, 6x स्क्वायर को साइड में,
पहला लेटर सेम टू सेम, लास्ट वाला वर्ड भी सेम टू सेम, इनमें कोई आपको पहले नंबर में लास्ट नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये सेम है ये सेम। बीच वाले पार्ट को आपको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है, कि इन्हें वापस जोड़े अगर हम, तो ये जोड़ने पे कितना आया, जो जोड़ा वही, तो -7 को जोड़ा है तो -7 ही है जोड़ने, और मल्टीप्लाई करने पे पहला लेटर इनटू लास्ट वाला यानी 6 × -3 दैट इज -18। ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ने पे -7 आए और मल्टीप्लाई करने पे -18 आए। अच्छा, जोड़ने पे -7 मल्टीप्लाई करने पे -18, इन चीजों को देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कि इनमें से कोई नंबर नेगेटिव होगा? अगर नंबर नेगेटिव नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस थोड़ी आएगा, मल्टीप्लाई करने माइनस आएगा इसका मतलब कि नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में देखना पड़ेगा ना। तो इन चीजों में सोचने का आसान तरीका है, आप 18 को फैक्टर निकालो तो आपको 1 × 18 दिखेगा, 2 × 9 दिखेगा, 3 × 6 दिखेगा, फिर आगे उल्टा 6 × 3 9 × 2 और 18 × 1, इनमें से कोई नंबर होगा। अब मुझे सिर्फ 9 और 2 में ही दिख रहा है कि 7 आ सकता है 9 और 2 में, तो वही एकमात्र रास्ता है ना। आपको -7 चाहिए, माइनस का नंबर बहुत बड़ा था, तो आप एक काम करें, यहाँ पे आप -9x और +2x ये हम कर सकते हैं, -9 में 2 ऐड करो तो -7 और -9 में 2 -18 हमारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो। अब इस चीज को कॉमन लेंगे तो हम इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग कर देते हैं, तो यहाँ से 6x दोनों 3 के टेबल में है, तो 3 को कॉमन ले लिया और x को ले लिया कॉमन, तो 3 2 जा होता है 3 बाहर आएगा तो अंदर 2 रहेगा, 3 2 6 में से, और यहाँ पे 2 2 x है, x का स्क्वायर है, 1 x बाहर तो 1 x अंदर बच जाएगा, फिर माइनस साइन डाल दीजिए, ये 3 3 9 लिखा है, 3 × 3 लिखा है, तो 3 बाहर आ गया तो 1 3 तो अंदर रहेगा ना, और x तो बाहर आ गया, x गायब हो जाएगा, 2 x - 3। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आया, जब भी कुछ भी कॉमन ना आए ठीक है, उस केस में हम केवल +1 लिख देते हैं, तो यहाँ पे सेम टू सेम बाकी चीज हो रहा है 2 x - 3। अच्छा, 2 x - 3 दोनों में आ रहा है, तो 2 x - 3 को अगेन हम कॉमन ले लेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, और 3 x + 1 हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे हमने इनके जीरोस फाइंड आउट किए, ठीक है, तो जीरोस फाइंड आउट हमने ऐसे किया। अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 3/2 मिलेगी और यहाँ से आपको x की वैल्यू -1/3 मिलेगी। इनमें से एक वैल्यू को हमें अल्फा कंसिडर करना है, मान लिया कि ये हमारा अल्फा है और ये वैल्यू हमारी बीटा है, तो आप इस चीज को सर रिलेशन वेरीफाई कैसे करेंगे ताकि ना मार्क्स ना कटे? देखो, वेरीफाई करने का तरीका, आप एक बात जानते हो कि अल्फा में बीटा जोड़ने पे क्या माइनस बीटा ये आता है? जी हाँ, जानते हैं। अल्फा की वैल्यू 3/2 रख दो, बीटा की वैल्यू -1/3 ये भी रख दो, इज इक्वल टू माइनस लगाओ, बी कितना है -7 है और ए कितना है 6 है, वो भी रख दो, क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 कितना हो जाएगा 9 और ये -2 अपॉन में क्या जाएगा 2 3 6 भाई -7 अपॉन में 6। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि 9 - 2 7/6 होगा और 7/6 से दोनों इक्वल आ जाएगा? अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा है, इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल है, तो ये हो गया वेरीफाई करने का तरीका। ये पूरा हो गया क्या? नहीं, ये पूरा नहीं हुआ है, आपको अभी अल्फा इंटू बीटा जो है वो वेरीफाई करना बाकी है, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करना पड़ेगा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा जो है C/A के इक्वल है, तो ये हमने पढ़ रखा है। अल्फा कितना 3/2 रख दीजिए, बीटा कितना -1/3 इज इक्वल टू C कितना है -3 है और A कितना है 6 है, कैलकुलेट करते हैं, ये दिख रहा है 3 × 1 = 3 × 2 = 1/2 आ जाएगा, इस चीज को देखते हैं, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, -1 ऊपर बच रहा है और नीचे क्या है 2 और इस साइड भी क्या बच रहा है माइनस ये 1 और अपॉन में 2, क्या अगेन दोनों सेम आ गए? तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख पाएंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप और भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको दिए जाएंगे और उसको बोला जाएगा कि आप फैक्टराइज कीजिए और फैक्टराइज करके उनके रिलेशनशिप को आप वेरीफाई करें, इस प्रकार आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे कि सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि पॉलीनोमियल क्या होगा, क्लियर है क्या? अच्छा, इसमें कांस्टेंट के वाला सिस्टम भी आता है, बट क्योंकि आप रिवीजन लेक्चर में हैं तो उस चीजों को मैंने कंप्लीट अभी, कांस्टेंट के बिना भी चल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, तो फिलहाल आप इसे सीखें, बाकी इसमें जो के बारे में अगर आपको कांस्टेंट के में डाउट होता है, हाँ यहाँ पे कांस्टेंट के होता है फॉर्मूले में, बट वो चीज मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो चीज जनरली कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है स्टूडेंट्स का, सर वो के कहाँ से आया, तो ये वीडियो हमने उनके स्टूडेंट्स लेवल के हिसाब से बनाया ताकि हर कोई समझ सके, उसमें किसी को दिक्कत ना आए, तो ये आप
गलत नहीं, ये चीज आपको डेफिनेटली समझ गए। यहाँ पे फॉर्मूले में आप लोगों ने लोगों ने यहाँ पे के देखा होगा कॉन्स्टेंट के, तो हाँ वो के होता है। अगर आप लगा समझ पाओ कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट के ऐड करके ना बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो ये जो है कंप्लीटली एक बार रिविजन कर लेना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एक बार आप लोग देख लेना पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसमें नोट्स वगैरह बना लेना ठीक है। और कोई भी चीजों में अगर डाउट रहता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो ठीक है, उन चीजों का सॉल्यूशन डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन मिले। ओके अच्छा, तो ये पॉलीनोमियल का हमारा फर्स्ट लेक्चर था, रिविजन लेक्चर ठीक है। अब इसके अंदर पार्ट वन कर सकते हो, पार्ट वन इसका हम सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, फिर पार्ट टू ठीक है। अच्छा पार्ट टू में क्या हो, पार्ट टू के अंदर हमने जैसे पार्ट वन में क्या था, ये टोटली एनसीईआरटी लेवल बेस्ड है। एनसीईआरटी की मैंने कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं, तो ये इतना कम से कम जितना मेरे अकॉर्डिंग मैंने डिलीवर कर दिया ठीक है। अब पार्ट टू में इसलिए बोल रहा हूँ, पार्ट टू में बात की ना कि आप जो पढ़ते हो वो अलग होता है और जो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन फेस करते हो वो अलग होता है, तो एग्जाम वाले क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते। ये आपने समझा दिया, हमें समझ आ गया, बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ ठीक है। तो एग्जाम वाले क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाए उसमें तो जरूरी है कि आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि बुक वाले क्वेश्चन तो आपने कर लिया होंगे, बुक वाले क्वेश्चन तो हो भी गया होंगे है ना। तो एग्जाम वाले क्वेश्चन जो टेस्ट में जो आने वाले क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना जरूरी है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ठीक है। तो वो टेस्ट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए है ना, टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए एक और हमारा पार्ट टू का वीडियो है जो कल के दिन अपन अपलोड करेंगे ठीक है। तो पार्ट टू वाले वीडियो के अंदर आपको इन्हीं सभी चैप्टर्स के डिटेल्ड में क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा, और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में बोर्ड एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछे जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस की भी चिंता नहीं करनी, आप जब रिवाइज कर लें, रिविजन करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, नेक्स्ट डे हम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके मार्क्स को अपने सिक्योर कर लेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए तो आज के लिए इतना रह लेते हैं, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।